सर, मेजर सान्याल आपसे मिलना चाहते हैं। मेजर सान्याल? जी सर। ठीक है, भेज दो। यस सर। मेजर सान्याल? हेलो मेजर सान्याल। हेलो, प्लीज हैव अ सीट। ये इस तरह क्या देख रहे हो मुझे मेजर? देख रहा हूं उस अफसर को जिसकी देख रेख में इंस्पेक्टर विजय सन्याल ने अपने करियर की शुरुआत की। जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूं तो आई फील बैड अबाउट इट, वेरी बैड। बहुत ही बहादुर और होनहार इंस्पेक्टर था। उसकी मौत हमारे पूरे डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा लॉस है मेजर सान्याल। उसकी मौत मत कहिए डीसीपी, कहिए कि हत्या हुई है। मेरी इन दोनों आंखों में झांक कर देखिए। एक आंख में नई नवेली दुल्हन की लाश दिखाई देगी और दूसरी आंख में विजय। मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है मेजर सान्याल। हमारी तलाश जारी है, बहुत जल्द ही रुद्राक्ष हमारी पकड़ में आ जाए। मुझे रुद्राक्ष की फाइल चाहिए। रुद्राक्ष की फाइल? जी हाँ, उसी की तहकीकात करते वक्त मेरे भाई ने जान गंवाई है। अब मैं उसे अंजाम दूंगा। नहीं नहीं, आई एम सॉरी मेजर, वो फाइल मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड की कोई भी चीज हम बाहर के आदमी को नहीं दे सकते। जहां तक उसको अंजाम देने की बात है, वो काम पुलिस का है। किसका क्या काम है ये मेजर दिग्विजय सन्याल को मत समझाइए। मैंने आपसे सिर्फ फाइल मांगी है, एंड आई वांट दैट। मेजर सन्याल, ये पुलिस हेडक्वार्टर्स है, कोई मिलिट्री का ऑफिस नहीं है जहां आपके हुक्म की तामील हो। यहां के कायदे कानून मेरे हिसाब से चलते हैं। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें रुद्राक्ष की फाइल नहीं दूंगा। यहां के कायदे और कानून दोनों का अंदाजा लग चुका है मुझे डीसीपी। अब मेजर सन्याल की बात तुम कान खोलकर सुन लो। 24 घंटे के अंदर तुम खुद चलकर आओगे मेरे पास रुद्राक्ष की फाइल लेकर। डू यू अंडरस्टैंड डीसीपी? तुम घबराओ नहीं, मैं अभी आता हूँ। ओके, बॉस ने फोन कर दिया होगा, अभी डीसीपी साहब आएंगे। अरे अरे मारो मत, तुम लोग तीन आदमी छोड़ा जाता है। अरे क्या करते लगता है यार, तीन आदमी एक आदमी को मार। अभी मेरा हाथ खोलो फिर बताता हूँ। अभी बताता हूँ यार, क्या कर रहे तुम लोग? आ गया तुम लोग का बाप, आ गया। अच्छा हुआ साहब आप आ गए, वरना ये बचकांडे तो मेरे कान का पर्दा खोल डालते। कैसे नहीं आता, तुम रुद्राक्ष के आदमी हो ना? हाँ सर। चलो चलो गाड़ी में बैठो। तुम दोनों नीचे उतरो। ये क्या पागलपन है मेजर? इसका फैसला भी हो जाएगा। अब तुम मेरे कायदे कानून के हिसाब से चलो। जिस तरह बगैर सबूत के तुम रुद्राक्ष को अरेस्ट नहीं कर सकते या अरेस्ट करना नहीं चाहते, उसी तरह बगैर सबूत के मैं इसे मार दूंगा। मेरा औजार हो गए तुम। चलो अपने रिवॉल्वर निकालो एंड शूट हिम। लेकिन मैं इसे कैसे मार सकता हूं? मैं तो इसे बचाने आया था। बचेगा तो ये वैसे भी नहीं। अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। नहीं नहीं, डोंट किल मी प्लीज। नहीं साहब, देखो साहब, गोली मत मारना साहब। अगर आपने मुझे मार दिया तो आज साहब आप भी नहीं बचोगे। शूट डीसीपी, आई सेड शूट शूट।
नहीं सर, देखो वेरी गुड, वेल डन। अब तो मैं काम करो डीसीपी, तुम अपने डिपार्टमेंट में जाकर कह दो कि तुमने एक गुनेगार की छाती पर 5 फुट की दूरी से गोली चलाकर हत्या कर दी। और अगर तुम ये कहना नहीं चाहते हो तो तुम रुद्राक्ष को जाकर कह दो कि तुमने खुद उसके आदमी की हत्या की है। और अगर तुम ये भी नहीं करना चाहते हो तो चलो मैं खुद चलकर रुद्राक्ष से कह देता हूं। नहीं 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 मेजर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मेरी पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी और रुद्राक्ष भी मुझे नहीं छोड़ेगा। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू मेजर, प्लीज। अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं ऐसी कोई हरकत करूं तो मुझे रुद्राक्ष की फाइल दे दो। ठीक है, जैसा तुम कहो। 10 लाख के गुड बॉय। रुद्राक्ष से यह भी कह देना कि मैंने जंग का ऐलान कर दिया है। मंगलम पुंडरी का मंगलाय हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। इंद्र क्या बात है, तुम इतने खामोश क्यों बैठे हो? तुम्हारी खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम चुपचाप रहते हो, मुझसे दूर दूर भागते हो। फोन करती हूँ तो फोन पर भी आना नहीं चाहते हो, मेरी बात का ठीक से जवाब भी नहीं देते हो। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बता दो ना। प्लीज कविता, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दो? तो अब तुम्हें मेरा साथ भी पसंद नहीं इंद्र? मुझे इस तरह तड़पा कर परेशान करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? ये जाकर अपने बाप से पूछो। क्या मतलब? मतलब मेरी दीदी और जीजा जी की हत्या में तुम्हारे पिताजी शामिल थे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। तुम विश्वास करो या ना करो मगर ये सच है। अगर ये सच है तो मेरे लिए मेरे पिता हमेशा हमेशा के लिए मर चुके हैं, और अगर ये झूठ है तो तुम्हारे लिए तुम्हारी ये कविता हमेशा हमेशा के लिए मर चुकी है। अरे इतना अंधेरा हो गया और अभी तक किसी ने घर में लाइट तक नहीं जलाई? लाइट मत जलाइए डैडी। अरे ये तो अंधेरे में बैठी क्या कर रही है बेटी? मुझे आपसे कुछ पूछना है, वो भी अंधेरे में, क्योंकि हो सकता है रोशनी में आप मेरे सवाल का जवाब देने में हिचकिचाएं। मैं क्यों हिचकिचाऊंगा कविता बेटी, ये तो कैसी बातें कर रही है आज बेटी, ये क्या बचपन है? डैडी आप मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं आपसे जो कुछ भी पूछूंगी आप उसका सही सही जवाब देंगे। ठीक है बाबा, ये लो, मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बोलो। अगर आपका जवाब हाँ में हुआ तो हमारा ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और अगर आपका जवाब ना में हुआ तो मुझे आपकी बेटी कहलाने में गर्व होगा। आखिर तुम पूछना क्या चाहती है? क्या आप इंस्पेक्टर सान्याल और उनकी पत्नी की हत्या में शामिल थे? कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो बेटी? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। बेटी वो क्या है कि वो मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है डैडी, अब तो आप में सच बोलने की भी हिम्मत नहीं रही। मैं जा रही हूँ डैडी, आज से आपकी कविता हमेशा के लिए मर चुकी है। कविता रुक जाओ, कविता मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए डैडी। ये क्या पागल बात है कविता? मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दीजिए डैडी, अब तो आप ये अधिकार भी खो चुके हैं डैडी, बेहतर यही होगा कि आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए। अब मैं घर वापस तभी आऊंगी जब आप अपने पापों का प्रायश्चित कर लेंगे।